भागलपुर सुल्तानगंज के अब्जूगंज पंचायत के बाढ़ पीड़ितों ने मुआवजा नहीं मिलने को लेकर सीओ वीडियो का किया घेराव किए। इस दौरान सीओ शंभु शरण राय ने कहा कि जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं आप लोगों को सहायता राशि दिया जाएगा, आप लोग अभी अपने अपने घर जाइए। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों को अब तक बाढ़ राहत राशि नहीं मिली है, जिसको लेकर प्रखंड का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मेराज ने बताया कि अब्जूगंज पंचायत को नगर परिषद में जोड़ दिया गया है, जो कि 2019 में अब्जूगंज पंचायत सुखाड़ घोषित किया था और अब 2021 में अब्जूगंज पंचायत पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित होने से बाढ़ पीड़ित मुआवजा को लेकर प्रखंड के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं अब्जूगंज अब नगर में चले जाने से इन लोगों को मुआवजा राशि नहीं मिल रही है, बाढ़ पीड़ित नगर परिषद व प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। इस मामले में बाढ़ पीड़ितों ने एकजुट होकर सीओ वीडियो को अपनी मांग को लेकर घेराव किए। वहीं सीओ व वीडियो के आश्वासन पर बाढ़ पीड़ितों अपने अपने घर वापस चले गए। दिया जाएगा 6000 रुपया, बाकी लोग हम लोग वंचित हो गए, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं सर से फरियाद मांगने की, जांच करके सर्वे करा के हम लोग का भी सूची में नाम डाला जाए। इस बार जो बाला जी उन्हें 2021 में आया है, उन्हें से हम लोग को नहीं मिला था। कौन वार्ड है? वार्ड हम लोग 1 है, 2 है, 7 है, अब्दुगंज 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 जी। देखिए सर कोने है कि तो क्या आश्वासन दिया कि ठीक है हम देख लेते हैं। आश्वासन दिया है की मिलेगा चौधरी। मेरा नरेश साहब, कितने लोग हैं आप लोग वार्ड में? अभी देख लीजिए, अभी 50 आदमी है। तो आश्वासन ये लोग मिली हैं, हम भी इन लोगों से जानने का प्रयास किए तो इन लोगों से पता चला कि अब्जूगंज ग्राम जो आज नगर परिषद में विस्तार से जुड़ गया, लेकिन पहले पंचायत था, अब्जूगंज पंचायत था, आप तमाम लोगों को पता है। 2019 में ये पंचायत सुखाड़ घोषित था। आज यहाँ के लोकल प्रशासन या सरकार ये कह रही है कि 2019 को मॉडल मान के उसी के विस्तार लाभार्थी को लाभ दिया जाए। अब्जूगंज 2019 में सुखाड़ था, यहाँ के लोगों को बाढ़ आपदा का लाभ नहीं मिला। आज अब्जूगंज ग्राम ही नहीं, पूरे पंचायत पूरी तरह संपूर्ण रूप से बाढ़ से तबाह। लेकिन आज अब्जूगंज प्रॉपर ग्राम न उसका नगर से कोई सर्वे हो रहा है और न पंचायत से हो रहा है, इसलिए ये लोग वंचित हैं, परेशान हैं कि आखिर हमको कुछ बाढ़ का जो आपदा का लाभ होता है वो हमको कैसे मिलेगा, किसके माध्यम से मिलेगा, ये जानने के लिए ये लोग आए हैं प्रशासन। प्रशासन के तौर पे अभी जो बात किया गया तो क्या प्रशासन, ये लोग चूँकि देखिए गाँव का सुदूर महिला हैं, घरेलू महिला हैं, ये अपने दर्द को जान रही हैं, हकीकत यही है, अपने दर्द को बयान कर रही हैं कि हम भूख मर रहे हैं, हमारे यहाँ आज भी पानी है, ये बात कर रही हैं। और घटना ये है कि आज संज्ञा लेना चाहिए लोकल प्रशासन को कि ये अब्जूगंज नगर से इसका सर्वे होके सूची बनेगा या पंचायत अनुसर्वण समिति इसको पारित कर देगा। अभी जो बात हुई है साहब से, क्या आश्वासन मिला? ये तो ये लोग बताएंगे, हम तो अलग से जाने बोलेंगे। हाँ, बाद में पूछ अपना घर जाइए। क्या बोले सर? अपना एक नंबर का घर जाइए और से बाद में हम एक नंबर जितना भी समुचा डूबा हुआ, जिसको एक महिला है सबको डूबा हुआ है और किसी का नहीं खाना न पीना कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मिलेगा, बोला मिलेगा।